हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक कमांड्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग कमांड डिस्कस करने वाले हैं वो है एलएस कमांड। दोस्तों, एलएस कमांड जो है वो स्पेशली यूज की जाती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल और डायरेक्टरी को देखने के लिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया हुआ है और मैं यहाँ पर एलएस कमांड यूज करता हूँ। टाइप करके जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आपने किस किस डायरेक्टरी को क्रिएट किया हुआ है या किस फाइल को क्रिएट किया हुआ है, ये सभी उन फाइल और डायरेक्टरी के नेम आए हुए हैं। देखो, जैसे कि कुछ नेम जो है वो आपको ब्लैक कलर में शो हो रहे हैं, कुछ आपको ब्लू कलर में शो हो रहे हैं। इसी तरह अगर मैं अभी रूट पार्टीशन के अंदर चलता हूँ सीडी कमांड के द्वारा, और अगर मैं यहाँ पर एलएस करता हूँ, देखो यहाँ पर और भी कलर आपको शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर केवल आपको ब्लैक कलर और ब्लू कलर शो हो रहा था, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर भी शो होगा, के साथ साथ स्काई ब्लू कलर भी ये शो होता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं दोस्तों सीडी स्पेस रूट पार्टीशन के अंदर बूट डायरेक्टरी के अंदर चलता हूँ तो वहां पर जाकर मैं एलएस कमांड रन करता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको ब्लू कलर भी शो हो रहा है, ब्लैक कलर भी शो हो रहा है, रेड कलर भी शो हो रहा है, ग्रीन कलर भी शो हो रहा है। तो देखो, यहाँ पर अलग-अलग कलर में फाइल और डायरेक्टरी दिखाई दे रही है। अब किस कलर का क्या मीनिंग है, कौन सी फाइल है, कौन सी डायरेक्टरी है, कौन सी क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मली देखें, डार्क ब्लू कलर, ब्लैक कलर, स्काई ब्लू कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर, ये कुछ कलर आपको शो हो रहे हैं। अब किस कलर का क्या मीनिंग है वो बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर की हेल्प ले रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कलर्स ऑफ लिनक्स फाइल और डायरेक्टरी। अब फाइल कौन सी है, डायरेक्टरी कौन सी है, उसके लिए ये फाइव कलर्स नॉर्मली हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। पहला होता है डार्क ब्लू कलर। दोस्तों, डार्क ब्लू कलर में जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो हमारी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉर्मल डायरेक्टरी होती है। अगर आपको स्काई ब्लू कलर में शो हो रहा है दोस्तों, वो फाइल भी हो सकती है, डायरेक्टरी भी हो सकती है, लेकिन वो किसी अनदर फाइल और डायरेक्टरी से लिंक की गई है। दोस्तों, लिंक का मीनिंग क्या है, देखो जब हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर जाकर सेव होती है, लेकिन उसका एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है आपके डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर वो लिंक्ड फाइल होती है जो कि उस सी ड्राइव की एग्जीक्यूट फाइल से लिंक होती है। इसी तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शॉर्टकट फाइल और डायरेक्टरी को हम लोग बोलते हैं लिंक्ड फाइल और डायरेक्टरी। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपको स्काई ब्लू कलर में शो कर रहा है वो शॉर्टकट है किसी भी फाइल और डायरेक्टरी, यानी कि फाइल और डायरेक्टरी का वो लिंक्ड है। इसके बाद रेड कलर।
दोस्तों रेड कलर में आपको डायरेक्टरी भी शो हो सकती है, फाइल भी हो सकती है, लेकिन वो फाइल और डायरेक्टरी जो है वो कंप्रेस्ड फाइल और डायरेक्टरी होगी, ठीक है। ब्लैक कलर में जो आपको शो कर रहा है दोस्तों, वो हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉर्मल फाइल होती है। इसके बाद ग्रीन कलर में जो शो होता है दोस्तों, वो डायरेक्टरी भी हो सकती है, फाइल भी हो सकती है, लेकिन एक ऐसी फाइल और डायरेक्टरी होती है जिस पर सभी यूजर्स को फुल एक्सेस होता है, फुल परमिशन होती है। जैसे कि एक बार यहां पर मैं आपको शो करता हूं, ये देखिए जरा, इसको मैं एक स्मॉल व्यू में लेके चलता हूं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं सबसे पहले ब्लू कलर, दोस्तों ये जो ब्लू कलर में आपको शो कर रहा है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉर्मल डायरेक्टरी है, देख रहे हो आप यहां पर। इसके बाद ये जो आपको ब्लैक कलर में शो हो रहा है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉर्मल डायरेक्टरी है, सॉरी नॉर्मल फाइल है। इसके बाद ग्रीन कलर में दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर जो होता है वो फाइल का भी हो सकता है, डायरेक्टरी का भी हो सकता है, लेकिन उस फाइल और डायरेक्टरी पर सभी यूजर्स को फुल परमिशन होगी। इसके बाद रेड कलर, दोस्तों रेड कलर का एक्सटेंशन ऑलवेज .gz होगा, जो कि कंप्रेस्ड फाइल और डायरेक्टरी हो सकती है। रेड कलर में फाइल भी हो सकती है, डायरेक्टरी भी हो सकती है, लेकिन वो कंप्रेस्ड फाइल और डायरेक्टरी होगी। इसके बाद आता है स्काई ब्लू कलर, दोस्तों ये जो आपको स्काई ब्लू कलर में यहाँ पर शो किया गया है दोस्तों, ये किसी फाइल और डायरेक्टरी का शॉर्टकट है, जिसकी ओरिजिनल फाइल और डायरेक्टरी जो है वो किसी अनदर लोकेशन पर अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको इसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर और कुछ एग्जांपल्स शो करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ls कमांड, दोस्तों ls कमांड के द्वारा हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल और डायरेक्टरी को चेक कर सकते हैं। देखो, अगर आप केवल ls करते हैं तो यहाँ पर फाइल और डायरेक्टरी आपको शो हो जाती है, लेकिन अगर दोस्तों आप यहीं पर ls स्पेस हाइफन l कमांड यूज करते हैं, तो ls स्पेस हाइफन l कमांड के द्वारा इन्हीं फाइल और डायरेक्टरी की आपको डीपली इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले ये जो ओपीटी नाम की डायरेक्टरी है, ये 7:20 पर क्रिएट की गई थी 24th of December को, और इस डायरेक्टरी का साइज क्या है दोस्तों, ये साइज KB में आपको शो कर रहा है। इस डायरेक्टरी का ओनर ग्रुप कौन है, रूट ग्रुप है इसका ओनर ग्रुप। इसी तरह इस डायरेक्टरी का ओनर यूजर कौन है, और इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स और डायरेक्टरी हैं, और इस डायरेक्टरी पर क्या परमिशंस अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, क्लियर है। इसी तरह आप यहां पर, और अगर आप यहां पर देखें दोस्तों, ये जो स्काई ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर में आपको इसकी ओरिजिनल फाइल और डायरेक्टरी कहां पर है वो भी आपको यहीं पर दिखाई दे रही है, यानी कि रूट पार्टीशन के अंदर यूएसआर डायरेक्टरी के अंदर लिब नाम की जो डायरेक्टरी है उसे लिंक किया गया है रूट पार्टीशन के अंदर लिब डायरेक्टरी के साथ। इसी तरह रूट पार्टीशन के अंदर यूएसआर डायरेक्टरी के अंदर lib64 डायरेक्टरी को लिंक किया गया है रूट पार्टीशन के अंदर lib64 के द्वारा, क्लियर है दोस्तों। यहां पर आप फाइल और डायरेक्टरी की डीपली इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। इसके बाद देखो, अगर आप हिडन फाइल देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं ldot के द्वारा आप केवल हिडन फाइल देख सकते हैं। देखो दोस्तों, जब भी हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो उस डायरेक्टरी के अंदर डिफॉल्ट दो हिडन डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं इन हिडन डायरेक्टरी का कोई भी नेम नहीं होता है। पहली डायरेक्टरी जो होती है वो डॉट से रिप्रेजेंट होती है, दूसरी डायरेक्टरी जो है वो डॉट डॉट से रिप्रेजेंट हो रही है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। देखो, अगर आप ls करते हैं,
ls कमांड यूज करते हैं तो केवल आपको फाइल और डायरेक्टरी दिखाई देगी। l डॉट करते हैं तो आपको हिडन डायरेक्टरी और फाइल दिखाई देगी। अगर आप दोनों देखना चाहते हैं एक ही साथ तो उसके लिए हम लोग ls स्पेस हाइफन l कमांड यूज करते हैं, सॉरी ls स्पेस हाइफन a कमांड यूज करते हैं। आपको नॉर्मल फाइल और डायरेक्टरी भी दिखाई देगी और हिडन फाइल और डायरेक्टरी भी आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ls कमांड को डिस्कस किया। तो इस वीडियो के अंदर ही इंदर अंदर बस इतनी ही कमांड को हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी आगे हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक कमांड्स को डिस्कस करेंगे।